श्रेय और प्रेय, तो दो चीजें समझनी चाहिए कि श्रेय किसे कहते हैं। शास्त्रों में हमने कभी कभी कहते ना सब्जेक्ट श्रेयान बहु विघ्नान, श्रेष्ठ श्रेय मार्ग पर बहुत विघ्न आते, प्रेय मार्ग पर विघ्न नहीं आते। तो श्रेय मार्ग क्या है? श्रेय मार्ग बोलते हैं जिस पर महापुरुष चले, महाजनोगता एन सपंथा, वो मार्ग है जिस पर महापुरुष चले, जिसमें हमारे आदर्श महापुरुष चले हैं, जो कल्याणकारी है, जो ईश्वर की ओर ले जाता है, जो उन्नति करने वाला है, जो स्वर्ग की ओर ले जाता है, जो तमस्य से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, उस मार्ग को श्रेय कहते हैं। श्रेय मार्ग वो होता है जो हमारे ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने, जो हमारे लिए एक श्रेष्ठ मानव जीवन जीने के लिए जो एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के अनुरूप अपने जीवन को ढालना, अपने उसके अनुरूप आचरण करना, उसको श्रेय मार्ग कहते हैं। श्रेय मार्ग वो होता है जिस पर दिखता तो है बहुत कठिन, तपस्या वाला होता है, कठिनाई वाला होता है, अपनी भावनाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को उसका दमन करते हुए उसको आगे बढ़ना पड़ता है, वो श्रेय मार्ग है। और प्रेम मार्ग क्या है? इसका परिणाम जो होता है अंत में दुखदायी होता है, जिसका परिणाम अंत में कल्याणकारी नहीं होता, उसको प्रेम मार्ग कहते हैं। जैसे एक लड़का लड़की है, अब आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रह जा रहे हैं, समलैंगिक विवाह की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अप्राकृतिक जीवन जीने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आहार में अशुद्ध आहार खाने लग गए हैं, किसी को गोमांस खाते देखकर तो गोमांस भी खा ले रहे हैं, शुकर का मांस दे तो शुकर भी खा ले रहे हैं। ये चीजें जो होती है प्रिय लगने वाली होती है, लेकिन जिसका परिणाम अंत में दुखदायी होता है, विनाशकारी होता है, पतन करने वाला होता है, दुर्गति की ओर ले जाने वाला होता है, नरक में ले जाने वाला होता है, उसको प्रेय मार्ग कहते हैं। दिखने में तो सुखदायी है, लेकिन जो अंत जो है जिसका अच्छा ना हो, उसको प्रेय मार्ग कहते हैं। और जो शुरुआत में, आरंभ में जीवन जीने में जो कठिन सा लगे, लेकिन जिसका अंत सुखदायी हो, जैसे तपस्या का मार्ग, जैसे विद्या का मार्ग, विद्या अध्ययन करता है, विद्यार्थी पढ़ता है,